अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की हमारी असाइनमेंट है जी MTH 603, असाइनमेंट नंबर 2 है और टोटल मार्क्स 10 हैं, ड्यू डेट 21 अगस्त है। यहाँ टॉप पे आपने आईडी लिखनी होती है, ये आपको पता है। ये इंस्ट्रक्शन रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं रीड कर देता हूँ। आपने अपनी आईडी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड यूज़ नहीं करना, कलरफुल LMS के थ्रू अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है और MS ऑफिस में, ठीक है, MS वर्ड में अपनी असाइनमेंट सबमिट करवानी है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसके दो पार्ट हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है जी, मिसाइल इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन टू हिट द टारगेट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मिसाइल ड्यूरिंग फर्स्ट 8 सेकेंड ऑफ फ्लाइट एज रिकॉर्डेड इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। टाइम हमारे पास 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन कहाँ तक है, 8 तक, और एक्सेलरेशन हमारे पास 20 है, 21.93 है, 23 पॉइंट, इसी तरह ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है। उन्होंने कहा है कि एक तो सिम्पसन 1/3 रूल से इसको सॉल्व करो, दूसरा ट्रेपेज़ॉइडल रूल से इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले हम सिम्पसन 1/3 को डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे h जो है वो हमारे पास 1 है। अगर आप यहाँ पे देखें गिवन में, तो ये हमारे पास t है, ये t नॉट है हमारे पास, ये t 1 है हमारे पास, इसी तरह ये t 2 है। तो हमारे पास जो होता है डिफरेंस, वो हमारे पास यानी कि h इज़ इक्वल टू होता है t 1 माइनस t नॉट। तो t 1 हमारे पास 1 है, माइनस 0 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। इसी तरह अगर आप 2 में से 1 को माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, तब भी हमारे पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो h की वैल्यू है वो कितनी आ गई, हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। अब इसका जो फार्मूला होता है, v इज़ इक्वल टू dv, यानी कि dv हमारे पास एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन है। कहाँ से कहाँ तक हो रहा है जी, 0 से लेके कहाँ तक हो रहा है जी, 8 तक हो रहा है, ठीक है। अब सिम्पसन 1/3 का जो फार्मूला है वो h डिवाइड बाई 3 है। पहले जो आपके पास फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या आना है विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 0 और 8 जो है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ऑड हैं, यानी कि 1, 3, 5 और 7, इनके साथ हमने क्या करना है, और इसमें y की वैल्यू, ठीक है, ये जो y की वैल्यू है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, 4 के साथ। और जो इवन होंगे यानी कि 2, 4, 6, इसमें जो y की वैल्यू है उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, ठीक है। तो इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करने के बाद यानी कि ये 2 प्लस कर लेंगे, इनको ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ऐड करके हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद वैल्यूज़ हम इसको सम अप कर लेंगे, ये आपके पास आएगा, इसको 1, 3 पे क्या कर देना है, डिवाइड। तो आपके पास ये आंसर आ गया किसके साथ, सिम्पसन 1/3 रूल से, ठीक है। उसके बाद ट्रेपेज़ॉइडल रूल से हम करते हैं, तो इसके फार्मूले और उसमें फ़र्क यही है कि यहाँ पर h डिवाइड बाई 2 होता है, वहाँ पर h डिवाइड बाई 3 था, और इसमें पहले और आखिरी को छोड़ के बाकी सब को किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है और उसको 2 पे क्या कर देना है, डिवाइड। अब ये आंसर और उसका आंसर सेम आ रहा है, बस कुछ पॉइंट का फ़र्क है। अब इसमें हमारे पास y1, y2, y3 कौन सा है, ये हमारे पास y0 है, ये y1 है, ये y2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये हमारे पास सारी y की वैल्यूज़ हैं। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपको असाइनमेंट चाहिए तो वो आप मुझसे ले सकते हैं, मतलब मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके 0306-679-3776 इस पर रब्ता करके आप मुझसे असाइनमेंट ले सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।